भारत ही नहीं दुनिया के कई मुल्कों ने वक्त वक्त पर पाकिस्तान को आतंकवादियों का पनहगार देश बताया है। हालांकि पड़ोसी मुल्क इस बात से लगातार इनकार करता रहा है। इस बीच पहली बार उसने एक आतंकवादी को अपना माना और उसका शव भी स्वीकार किया। ये आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। हालांकि भारतीय जवानों ने उसे पकड़ लिया। सेना की हिरासत में उसने कई राज उगले जो कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए काफी था। आपको बता दें कि दो दशकों से अधिक वक्त में पहली बार पाकिस्तान ने सोमवार को लश्कर ए तैयबा के एक प्रशिक्षित आतंकवादी के शव को स्वीकार किया है। वो 21 अगस्त को राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में एलओसी के रास्ते घुसपैठ कर रहा था, जहां उसे धर दबोचा गया। उसे गोली भी लगी थी, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के सब्जाकोट निवासी तबारक हुसैन, जिसकी उम्र 32 साल है, उसका शव भारतीय सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर चाकान द बाग क्रॉसिंग पॉइंट पर पुलिस और सिविल अधिकारियों की मौजूदगी में पाकिस्तान को सुपुर्द किया। राजौरी के एक सैन्य अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट से उसकी मौत हो गई थी। हुसैन को भारतीय सैनिकों ने गोली मारी थी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में राजौरी के सैन्य अस्पताल में रेफर उसे कर दिया गया था, जहां उसकी एक सर्जरी भी हुई। इतना ही नहीं, भारतीय सैनिकों ने मानवता दिखाते हुए उनकी जान बचाने के लिए 3 यूनिट रक्तदान भी किया था। इसी दौरान पूछताछ जब हुई तो उसने खुलासा किया था कि उसे पाकिस्तान की एक खुफिया एजेंसी ने नौशेरा सेक्टर में अग्रिम चौकियों की रेकी करने का काम सौंपा था। उसने अधिकारियों को बताया था कि पाकिस्तान की खुफिया विभाग के एक कर्नल ने उसे भारतीय सेना की अग्रिम चौकियों पर हमला करने के लिए 30,000 पाकिस्तानी रुपए दिए थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।